तो फ्रेंड्स हुआ कुछ इस तरह से कि कल मैं अपने एक फ्रेंड से गायरोस्कोपिक कपल या गायरोस्कोपिक इफेक्ट के बारे में बात कर रहा था। तो मैंने उसके अंदर एक चीज ऑब्जर्व करी कि उसे गायरोस्कोपिक इफेक्ट के बारे में हर चीज मालूम थी, उसे सारी टर्म्स मालूम थी, उसे सारी डेफिनेशंस मालूम थी, उसे सारे फॉर्मूले मालूम थे, उसे सब कुछ पता था, बस उसे एक चीज नहीं पता थी और वो ये कि गायरोस्कोपिक इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, मतलब मैंने खुद ये बात ऑब्जर्व की है कि अगर आप किसी से पूछें कि गायरोस्कोपिक इफेक्ट क्या होता है, तो सामने वाला बंदा सिर्फ एक वर्ड में पूरा का पूरा गायरोस्कोपिक इफेक्ट एक्सप्लेन कर देता है, और वो वर्ड्स क्या होते हैं, आई ओमेगा ओमेगा पी। ठीक है, सामने वाला पर्सन सिर्फ एक वर्ड के अंदर पूरा का पूरा गायरोस्कोपिक इफेक्ट एक्सप्लेन करता है, आप खुद ट्राई करके देखना। ठीक है, सामने से एक रिस्पॉन्स आएगा आई ओमेगा ओमेगा भी। ठीक है, एक्चुअल में ये गायरोस्कोपिक इफेक्ट नहीं है, ये गायरोस्कोपिक टॉर्क का फॉर्मूला है। ठीक है, जो उस सिचुएशन में अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन को देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि गायरोस्कोपिक इफेक्ट के ऊपर एक लेक्चर बनाने की सख्त जरूरत है, ताकि हम सबको समझ आए कि गायरोस्कोपिक इफेक्ट वाकई में होता क्या है। ठीक है, तो जब आपको समझ तब आएगा जब आप बिना स्किप करे कुछ इस लेक्चर को पूरा देखेंगे, और लेक्चर को पूरा देखने के बाद आपको ये लेक्चर कैसा लगा आपको ये कमेंट्स में जरूर मेंशन करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि सपोज कीजिए हमारे पास एक रोटर है, जो क्लॉकवाइज हमारे पास एक रोटर है जो क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो आपने सुना मैंने अभी भी क्या कहा कि हमारे पास एक रोटर है जो क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। क्यों? आप इस चीज को ध्यान से देखिए, ये मोशन, क्या आप बता सकते हैं कि ये रोटेशन कैसी है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ठीक है, तो मे भी जहां तक मुझे लग रहा है शायद आपका आंसर हो एंटी क्लॉकवाइज, पर अगर मैं अपने एंड से देखूं तो मैं इसे क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। ठीक है, तो एक्चुअल में ये हुआ इसलिए क्योंकि आप इस रोटर को दूसरी तरफ से देख रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, हालांकि मैं इसे किस तरह से घुमा रहा हूँ, क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ। तो जब भी राजी किसी रोटर की रोटेशन को बताया जाता है, तो ये भी बताना बड़ा जरूरी होता है कि आप उसे देख कहां से रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में इस रोटर को मैं सपोज कीजिए यहां से देख रहा हूं। ठीक है, तो अब मेरी स्टेटमेंट कंप्लीट हुई है, हमारे पास एक रोटर है जिसे हम इस तरफ से देख रहे हैं। ठीक है, और ये रोटेटर जो रोटर है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी, विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो राजे जब भी कोई रोटर घूम रहा होता है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एक्चुअली में उसकी वेलोसिटी के पास तीन चीजें होती हैं, तीन चीजें। ठीक है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उसके पास होता है एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो रोटर घूम रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट हैज गॉट थ्री थिंग्स। पहला, उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, ओमेगा। और दूसरा, इस रोटर के एक्सिस की डायरेक्शन। ठीक है, ये जो रोटर है इसका ये जो एक्सिस है, एक्सिस इसकी डायरेक्शन कि इस रोटर ये घूम रहा है, इसका एक्सिस किस डायरेक्शन के अलोंग है। और तीसरा, उसका सेंस कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो ये तीन चीजें किसी रोटर के पास होती हैं जब वो घूम रहा होता है। तो अगर हम चाहें राजी, अगर हम चाहें तो इसकी जो ये एंगुलर वेलोसिटी है हम इसे विद द हेल्प ऑफ अ वेक्टर वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे राजी? मैंने ये एक वेक्टर ड्रॉ किया। ठीक है, ये मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया, तो इस वेक्टर की जो लंबाई है, लंबाई इस वेक्टर की जो लंबाई है ये रिप्रेजेंट करता है मेरे इस रोटर के एंगुलर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को किसी पर्टिकुलर स्केल पे। ठीक है, तो जो इस वेक्टर की लंबाई होगी ये बताएगा कि मेरा जो रोटर है वो कितने ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है, और ये वेक्टर ड्रॉ किस डायरेक्शन में किया जाता है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, एक्सिस ऑफ रोटर, ये है राजी, ये क्या है, ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटर, इसके पैरेलल मैंने इस वेक्टर को ड्रॉ किया है। ठीक है, पर अभी भी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, हमने भी ये नहीं बताया कि क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो इसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल का। ठीक है, तो ये रोटर क्लॉकवाइज घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसे डिस्क्राइब करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल का। और ये रूल बहुत ज्यादा
सिंपल है, सिंपली जब आप अपने हैंड की, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करते हैं, कर्ल, ठीक है, कर्ल करते हैं, तो जो ये थंब की डायरेक्शन है, इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करते हैं, जैसे ये है, ठीक है, अब सपोज कीजिए, अब यहां से आप देख रहे हैं, तो ये रोटर जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस तरह से क्लॉकवाइज घूमेगा ये, ठीक है, क्लॉकवाइज, ये इस तरह से क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो मैं इसे क्लॉकवाइज कर्ल कर रहा हूं, तो जो ये थंब की डायरेक्शन, ये थंब मेरा अभी बोर्ड की तरफ है, ये वेक्टर बोर्ड के अंदर जा रहा है, ठीक है, तो ये जब आप फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब की जो डायरेक्शन होगी, इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ माय एरो और वेक्टर, ठीक है, तो इस चीज को यहां पे अप्लाई करके देखते हैं क्या, कि मेरा ये जो रोटर है ये इस तरह से रोटर, और ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, जब मैं इधर से देख रहा हूं तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अपने हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर रहा हूं इन द डायरेक्शन ऑफ रोटर, ठीक है, तो मेरा एरो उस तरफ जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल मैंने अपना जो एरो है वो इस तरफ मार्क कर दिया, ठीक है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माय एरो, सो ये जो वेक्टर है इसकी लंबाई रिप्रेजेंट कर रही है मेरा वेक्टर का एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन इट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटर, और इसका जो एरो है ये मुझे बताता है कि जो मेरा रोटर है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, तो इस तरह से किसी रोटर की एंगुलर वेलोसिटी को हम वेक्टर की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो राजी हमने बचपन में पढ़ी थी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, वन आर स्केलर एंड अदर आर वेक्टर, स्केलर वो है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर वो जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, ठीक है, तो अगर आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को, या फिर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को अगर आप चेंज करना चाहते हो, यू हैव गॉट थ्री ऑप्शंस, आपके पास तीन ऑप्शंस है, आप तीनों में से कुछ भी कर सकते हो, जो आपके ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, पहला आप वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर दीजिए, वेलोसिटी को कम या ज्यादा कर दीजिए, दूसरा आप वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए, ठीक है, हमने मैग्नीट्यूड सेम रखा है, वेलोसिटी उतनी रहेगी 10 मीटर्स पर सेकेंड, वेलोसिटी उतनी है, बस मैंने उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, ठीक है, या फिर तीसरा आप दोनों बदल सकते हैं, ठीक है, तो तीन चीजें हैं वेलोसिटी को चेंज करने के लिए, आइदर यू कैन चेंज द मैग्नीट्यूड तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, दूसरा आइदर यू कैन चेंज द डायरेक्शन तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तीसरा यू कैन चेंज बोथ, ठीक है, तो क्या चीज है राजी, मेरे पास यहां पर मैंने एक रोटर ड्रॉ किया हुआ है, रोटर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, और मैं अगर इसे पीछे से देख रहा हूं, ठीक है, और ये घूम रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये जो रोटर है मैं इसे पीछे से देख रहा हूं, ये घूम रहा है इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पीछे से देख रहा हूं क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो जो मेरा वेक्टर है वो आगे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ, ठीक है, सो मैं इसी पे ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा बेटर वे में आसानी से समझ आ जाए, ये जो वेक्टर है राजी, दिस, ये जो एक्सिस है, यही डायरेक्शन क्या होगी मेरे वेक्टर की, ठीक है, तो मेरा जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी कुछ इसी प्रकार होगी जो वेलोसिटी का वेक्टर होगा, ठीक है, तो मैंने इसकी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने मैग्नीट्यूड सेम रखा है, मैग्नीट्यूड में मैंने किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं किया, मैं फर्क कहां पे लेके आया हूं, मैंने इसके जो रोटर का जो एक्सेस है मैंने उस एक्सेस को थोड़ा सा घुमा दिया है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बिल्कुल माइनर सा, मतलब एक या दो डिग्री बस इतना ही, ठीक है, तो यहां पर ये एक्सेस है मेरे रोटर का, मैंने इसे थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा घुमा दिया, ठीक है, अब माइनर सा राजी मैं बोर्ड पे तो नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा क्योंकि आपको क्लियरली नहीं तो विजिबल नहीं होगा, तो मैं ये थोड़ा सा मैग्नीफाई करके ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, सो दिस इज माय न्यू एक्सिस, ठीक है, ये है सपोज कीजिए अर्लियर इट वॉज से ओ एक्स, अब नया एक्सिस आ गया ओ एक्स डैश, ठीक है, मतलब थोड़ी सी आसानी के लिए मैं एक्सिस भी ड्रॉ कर देता हूं, मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन के अंदर आई हैव माय एक्स एक्सिस, ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर दिस इज ओरिजिन, दिस इज माय एक्स एक्स एक्सिस मेरा यहां पर है, ठीक है, और इन दिस डायरेक्शन आई हैव गॉट माय वाई एक्सिस, ठीक है, इस डायरेक्शन में मेरे पास है वाई एक्सिस, ठीक है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर है मेरे पास जेड एक्सिस, ठीक है, तो ये है मेरा एक्स एक्सिस बोर्ड पे, यह मेरा वाई एक्सिस बोर्ड पे, तो मेरा एक्स वाई प्लेन इसी व्हाइट बोर्ड के अंदर ही है, ठीक है, और जेड एक्सिस इससे पैरेलल है,
दिस इज माई जेड एक्सिस, ठीक है, ये आपकी तरफ आ रही, ठीक है, दिस इज माई जेड एक्सिस, ठीक है, मैं ड्रॉ तो नहीं कर पाऊंगा यहां पे, ये क्या है राजी, ये है मेरा जेड एक्सिस, ठीक है, तो एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और इस बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर आ रहा है मेरा जेड एक्सिस, ठीक है, तो इस राजी हमने एक्स वाई, ये एक्स वाई प्लेन है व्हाइट बोर्ड का, इसी के अंदर जो मेरा रोटर का एक्सिस था मैंने उसे एक्स वाई प्लेन के अंदर ही हल्का सा घुमा दिया है, बिल्कुल माइनर सा, एंड दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, दिस एंगल इज डी थीटा, ठीक है राजी, बिल्कुल छोटा सा एंगल है डी थीटा, मैंने उसे इसको घुमा दिया, ठीक है, तो क्या चीज है, मेरा रोटर पहले ऐसे ऐसे यहां पे घूम रहा था, एंगल वेलोसिटी वही रहेगी, तो पहले मेरा रोटर यहां घूम रहा था, फिर मेरा रोटर अब यहां घूमेगा लाइक दैट, ठीक है, छोटा करके ड्रॉ किए, ठीक है, तो यहां घूमेगा, तो पहले उसका वेलोसिटी वेक्टर ये था, ठीक है, सपोज कीजिए पहले उसका वेलोसिटी वेक्टर ये था, ये, ठीक है, से ओ एंड दिस इज ए, ठीक है, ओ ए, अब उसका नया वेलोसिटी वेक्टर कैसा दिखेगा, दिस विल बी माय न्यू वेलोसिटी वेक्टर ओ बी, ठीक है, मतलब क्या है, पहले ये एक्स डायरेक्शन के अंदर वेक्टर था ओ ए, इसकी लंबाई कितनी है राजी, बता सकते हो आप इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है ओमेगा, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी लंबाई कितनी है ओमेगा, इसकी डायरेक्शन मेरे रोटर के एक्सिस के पैरेलल है, और इसका एरो मुझे ये बता रहा है कि अगर मैं पीछे से देख रहा हूं और मेरे थंब आगे की तरफ है, तो ये मुझे बता रहा है कि मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं इसको, ठीक है, तो जैसे राजी ये मेरा जो एक्सिस है ये डी थीटा एंगल से घुमा, उसी तरह से जो मेरा वेलोसिटी वेक्टर है वो भी क्या होगा, वो डी थीटा एंगल से घूम जाएगा, ठीक है, इस पूरे वेक्टर की लंबाई है ओमेगा, ठीक है, तो राजी बचपन में हमने वेक्टर्स पढ़े थे, हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा था वेक्टर्स का, ठीक है, तो दिस ओ बी, ओ बी ये है मेरा फाइनल वेलोसिटी, ओ ए ये है मेरा इनिशियल वेलोसिटी, दोनों वेक्टर्स की लंबाई ओमेगा है, क्यों, मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है, ठीक है, क्या राजी आप मुझे बता सकते हो व्हाट विल बी चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, हमने सीखा है वेक्टर्स को माइनस करना, फाइनल वेक्टर, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ये क्या होगा, दिस वेक्टर, ये वेक्टर, ठीक है, और ये नया वेक्टर क्या है, फ्रॉम ए टू बी, ए से लेकर बी तक ये जो नया वेक्टर जा रहा है ये क्या है, दिस इज माई चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, तो जो चेंज इन वेलोसिटी और इस चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, क्या मैंने इस इनिशियल वेक्टर से फाइनल वेक्टर को जोड़ा और फाइनल वेक्टर पे मैंने हैंड ड्रॉ किया, ठीक है, सो दिस इज द डायरेक्शन, ये है मेरी चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक है, क्या आप मुझे इसकी लंबाई बता सकते हो, हम सभी जानते हैं क्या, ये है रेडियस, इसकी लंबाई है ओमेगा और यह है एंगल डी थीटा, तो राजी ये लंबाई कितनी हो जाएगी, ये लंबाई इट विल बी ओमेगा डी थीटा, ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, दिस विल बी ओमेगा डी थीटा, ठीक है, तो राजे ये आ गया ओमेगा डी थीटा एंड दिस इज माय चेंज इन वेलोसिटी, राजे क्या आप मुझे एक्सेलरेशन बता सकते हो, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द रोटर, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, यहां पर मैंने क्या निकाला है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, अब क्या पूछ रहा हूं, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, तो क्या चीज है, इस रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी को मैं डी टी टाइम इंटरवल डी टी से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, डी टी इज द टाइम इंटरवल जितने टाइम के अंदर ये रोटर यहां से का एक्सेस यहां से यहां तक आया, ठीक है, तो इस टाइम इंटरवल डी टी से डिवाइड कर दूंगा, नाउ दिस ओमेगा डी थीटा बाय डी टी दिस विल गिव मी एक्सेलरेशन ऑफ द रोटर, ठीक है, मुझे क्या मिल जाएगा, अपने रोटर की एक्सेलरेशन मिल जाएगी, एक्सेलरेशन इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, ठीक है, तो ये आ गई मेरी रोटर की एक्सेलरेशन, ये क्या है ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा की चीज है रोटर कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, दैट इज ओमेगा, ठीक है, एंड डी थीटा बाय डी टी, व्हाट इज डी थीटा, जितने एंग, जितने ये जो राजे ओ एक्स है पूरा ओ एक्स आपको नजर आ रहा है, दिस इज माई एक्सेस ऑफ स्पिन, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेस ऑफ स्पिन, ठीक है, तो इस एक्सेस ओ एक्स के अबाउट मेरा रोटर घूम रहा है, ठीक है ना, तो ये जो एक्सेस है ये डी थीटा एंगल से घूम गया, ठीक है, रोटर तो घूम ही रहा है इस एक्सेस के अबाउट, जो मेरा एक्सेस है वो खुद भी
घूम गया है, ठीक है, कितने एंगल से, डी थीटा से, कितने टाइम में ये काम हुआ, डी टी टाइम में काम हुआ, ठीक है। तो अब ये घूम गया है राजी, ये किस एक्सेस के अबाउट घूमा है, ठीक है, आप थोड़ा सोच के देखिएगा, ये जो मेरा एक्सेस था स्पिन का, ये किस एक्सेस के अबाउट घूमा है, आपको एहसास होगा कि ये घूम रहा है मेरे जेड एक्सेस के अबाउट, ठीक है, दिस इज माई जेड एक्सेस, ठीक है। तो ये एक्सेस ऑफ स्पिन मेरे ये जेड एक्सेस के अबाउट घूम रहा है लाइक दिस, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज एक्सेस ऑफ प्रीसेशन, ठीक है। तो जो मेरे जेड एक्सेस है राजे, एक्स एक्सेस क्या था, ये था एक्सेस ऑफ स्पिन, किसके अबाउट मेरा एक्सेस ऑफ स्पिन घूम रहा था, अबाउट जेड एक्सेस, और इसे हम बोलते हैं एक्सेस ऑफ प्रीसेशन, ठीक है। तो जो ये एक्सेस है राजे, ये इस तरह से घूम रहा है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज व्हाट हम उसे नाम दे रहे हैं ओमेगा पी, ठीक है, दिस इज व्हाट इज नोन एज ओमेगा पी, ओमेगा स्टैंड्स फॉर एंगुलर वेलोसिटी, पी स्टैंड्स फॉर प्रीसेशन, ठीक है, सो दिस इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रीसेशन, ठीक है, और इस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रीसेशन की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी डी थीटा बाय डी टी, ठीक है। तो मेरा ये एक्सेस था, ये घूम रहा है, इसने डी थीटा एंगल कवर किया है, डी टी टाइम में कवर किया है, ठीक है, तो इसके एक्सेस की खुद की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, इट इज ओमेगा पी, जो कि क्या आ गया, डी थीटा बाय डी टी, ठीक है। तो मैं यहां वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो मेरा अल्फा अल्फा मेरा अल्फा ये क्या आ गया, दैट इज ओमेगा इंटू ओमेगा पी, ठीक है। सो दिस इज माई एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटर, ठीक है, उम्मीद है आपको यहां तक समझ आ गया होगा, ठीक है। तो मैं आपसे, अब मुझे भी मालूम है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, डेफिनेटली आप साइंस के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, राजे मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हम इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, हम साइंस पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या आप मुझे एक छोटा सा पॉइंट बता सकते हो कि क्या कभी किसी केस में एक्सेलरेशन अपने आप पैदा हो सकती है, ठीक है, क्या आपने कभी देखा है कि एक्सेलरेशन अपने आप पैदा हो रही हो, नहीं, इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा कभी भी किसी भी केस में नहीं हो सकता, ठीक है, एक्सेलरेशन कभी भी अपने पैदा नहीं हो सकती, यू नीड अ फोर्स टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, ठीक है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक्सेलरेशन कभी पैदा नहीं हो सकती, यू नीड अ फोर्स टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, ठीक उसी प्रकार एंगुलर एक्सेलरेशन भी कभी पैदा नहीं हो सकती अपने आप, ठीक है, यू नीड अ टॉर्क, आपको एक टॉर्क की जरूरत है उस एंगुलर एक्सेलरेशन को पैदा करने के लिए, ठीक है। और यहां पर आप देखिए, यहां पर हमें क्या मिल रहा है, यहां पर हमें मिल रही है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मिल रहा है हमें, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, ओमेगा इंटू ओमेगा पी, ये उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन कभी अपने आप नहीं पैदा हो सकता अनटिल और अनलेस आप खुद एक टॉर्क अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आप टॉर्क अप्लाई करोगे तो ये एक्सेलरेशन पैदा होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए हमें पता लग गया कि हमें फोर्स अप्लाई करनी है, ठीक है, राजे उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है, अगर आपको ये मास है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ये एक्सेलरेशन ए से आगे जाए, ठीक है, तो आपके उसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी, किस डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, ऑफकोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है मुझे उसी डायरेक्शन में अपना फोर्स भी अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या चीज है राजी, अब एक नया इसी कंसेप्ट पे जिस डायरेक्शन में आपको एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करना है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में राजी वेक्टर है इस तरफ, जिस डायरेक्शन में हमें एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए उसी डायरेक्शन के अंदर हमें एक टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या चीज है, क्या, और तीसरा क्वेश्चन, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, उसी तरह से टॉर्क का क्या मैग्नीट्यूड होता है, टॉर्क इज इक्वल टू I इनटू अल्फा, ठीक है, टॉर्क मुझे कितना अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज I मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोटर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, यहां पर अल्फा की वैल्यू क्या है, ओमेगा इंटू ओमेगा पी, ठीक है, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा पी, ठीक है। तो राजे ये जो टॉर्क मुझे अप्लाई करना पड़ता है,
ठीक है, ये जो टॉर्क हमें अप्लाई करना पड़ता है इस एंगुलर एक्सेलरेशन को पैदा करने के लिए, दैट इज व्हाट इज नोन एज गायरोस्कोपिक टॉर्क। ठीक है रजी, हम ये एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ये कहां से आ रहा है? क्यों? क्योंकि आप इस एक्सिस ऑफ स्पिन को घुमा रहे हैं। ठीक है, आप इस एंगुलर एक्सिस ऑफ स्पिन को घुमा रहे हो, उस वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। और एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए आपको एक गायरोस्कोप टॉर्क लगाना पड़ेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, गायरोस्कोपिक टॉर्क। ठीक है, तो जो ये टॉर्क मुझे लगाना पड़ता है इस एक्सिस ऑफ स्पिन को घुमाने के लिए, दैट इज व्हाट इज नोन एज गायरोस्कोपिक टॉर्क। ठीक है, और राजे ऑफ कोर्स उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन होगी डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जो मेरा गायरोस्कोपिक टॉर्क है वो किस डायरेक्शन में लगेगा? जो गायरोस्कोपिक टॉर्क है मेरा वो भी किस डायरेक्शन में लगेगा? वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। वो भी किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में। सर ये बात आपको समझ आ रही है? ठीक है, अगर आपको एंगुलर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में पैदा करना है तो आपको एक गायरोस्कोपिक टॉर्क लगाना पड़ेगा, उसकी डायरेक्शन में क्या होगी? यही होगी। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? आई इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा पी। ओमेगा क्या चीज है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटर। और ओमेगा पी ये क्या चीज है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एक्सेस ऑफ स्पिन। एक्सेस ऑफ स्पिन किस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है? ये किस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है? दैट इज माय एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रीसेशन। ठीक है ना, तो हमें ये समझ आ गए। ठीक है, तो क्या चीज है राजी? अब आपको पता चल गया कि गायरोस्कोपिक टॉर्क होता क्या है, इस एक्सिस ऑफ स्पिन को इस तरह से घुमाने के लिए। ठीक है, एक्सिस ऑफ स्पिन को घुमाने के लिए जो टॉर्क अप्लाई करना पड़ता है, दैट इज व्हाट इज नोन एज गायरोस्कोपिक टॉर्क। ठीक है, इस यहां पर एक्सिस ऑफ स्पिन को घुमाओगे तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होगी, इसे पैदा करने के लिए जो टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, दैट्स माय गायरोस्कोपिक टॉर्क। ठीक है, यहां तक तो वो चीजें थी जो हम न्यूमेरिकली एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, जो गायरोस्कोपिक इफेक्ट का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो राजी आपकी तो पता नहीं पर मेरी इमेजिनेशन से पूरी तरह से बाहर है, पूरी तरह से, मतलब जब तक आपको कोई ये चीज समझाए ना, आप इसे कभी अपने सपने में भी इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, वो यहां से आके शुरू होता है। ठीक है, एक्चुअल में क्या चीज है, मैं इतना एक्साइटेड क्यों? एक्चुअल में आपने पढ़ा होगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। या आपने पढ़ा होगा एक्शन एंड रिएक्शन, एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्सेस दे ऑलवेज स्टे टुगेदर। ठीक है, या जब कोई भी चीज कर्व में मूव कर रही होती है तो उसके ऊपर लग रहा होता है एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अंदर की तरफ सेंट्रीपेटल फोर्स, तो फोर्सेस हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती हैं हमेशा ही। अब मैं इस वॉल को धक्का लगा रहा हूं, मैं इसको धक्का लगा रहा हूं, ये वॉल मुझे धक्का लगा रहा है। ठीक है, तो फोर्सेस दे ऑलवेज अकर इन पेयर्स, हमेशा ही पेयर्स में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से जिस तरह से फोर्सेस हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती हैं, आप जो फोर्स लगाते हैं नेचर उसके अपोजिट फोर्स लगाती है, ठीक उसी प्रकार जब आप इस एक्सेस को घुमाने के लिए गायरोस्कोपिक टॉर्क लगाओगे इस डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, नेचर भी लगाएगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, जो मदर नेचर है वो अप्लाई करेगी एक इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क। ठीक है, यहां से इंटरेस्टिंग चीज शुरू होती है। तो मैंने यहां पर एक गायरोस्कोपिक टॉर्क लगाया, इसे हम बोलते हैं एक्टिव गायरोस्कोपिक टॉर्क, जो मैं लगा रहा हूं इट इज एक्टिव। ठीक है, तो जब मैं एक एक्टिव गायरोस्कोपिक टॉर्क लगाता हूं तो जो नेचर है वो एक इक्वल एंड अपोजिट गायरोस्कोपिक टॉर्क लगाती है, जिसे हम बोलते हैं रिएक्टिव गायरोस्कोपिक टॉर्क। ठीक है, तो मैंने टॉर्क लगाया इस तरफ, नेचर ने टॉर्क लगाया इक्वल एंड अपोजिट यानी इस तरफ। ठीक है, और राजी इसका असर क्या पड़ता है चीजों पे, आइए देखते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहां पे एक एयरक्राफ्ट ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, ये पुराने टाइम का एयरक्राफ्ट है जो शुरुआत में डेवलप हुए थे, जिनके आगे रोटर पंखा लगा, प्रोपेलर लगा होता था। ठीक है, सपोज कीजिए एक एयरक्राफ्ट है और जब मैं पीछे से देख रहा हूं, जब मैं यहां पीछे से देख रहा हूं, ठीक है, मुझे नजर आ रहा है कि ये जो रोटर है ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो मैं पीछे से देख रहा हूं ये जो रोटर है ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो पीछे से देख रहा हूं क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, यानी कि जो वेलोसिटी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन आगे की तरफ होगी। ठीक है, तो जो मेरा वेलोसिटी वेक्टर है वो जाएगा आगे की तरफ, ये।
ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि ये जो एयरक्राफ्ट है, ये एयरक्राफ्ट इस तरह से मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, ये एयरक्राफ्ट थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा लेफ्ट की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है राजा, आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, आपने स्टीयर किया होगा उसको, आपने लेफ्ट या राइट कभी मोड़ा होगा। ठीक है, तो इस एयरक्राफ्ट का जो पायलट है वो इस प्लेन को लेफ्ट की तरफ मोड़ रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट की तरफ जब मोड़ेगा, या रजे पहले के टाइम में ना जो एयरक्राफ्ट होते थे उनके अंदर आगे फैन होता था, प्रोपेलर होता था, और अंदर होते थे रोटरी इंजन्स, रोटरी इंजन्स। ठीक है, हमने पढ़े हैं ये लिंक्स एंड मैकेनिज्म्स में या वैसे भी, तो इनके अंदर बहुत ज्यादा हैवी रोटेटिंग मासेस होते थे, बहुत ज्यादा मास घूम रहा है एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो इस प्लेन को जब आप, इसमें हैवी रोटेटिंग मास है जो घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वेलोसिटी वेक्टर आगे की तरफ है, जब राजे पायलट इस प्लेन को लेफ्ट में स्टीयर करेगा, मोड़ेगा, ठीक है, आप देखिए क्या होगा। वेलोसिटी वेक्टर पहले आगे था, फिर वेलोसिटी वेक्टर, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्या इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? तो राजे चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ। ठीक है, एज अ रिजल्ट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ। एज अ रिजल्ट इस चेंज को लेके आने के लिए, इस एयरक्राफ्ट को लेफ्ट मोड़ने के लिए हमें गायरोस्कोपिक टॉर्क किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा? इस तरफ। ठीक है, तो राजे जब हम गायरोस्कोपिक टॉर्क इस तरफ लगाएंगे तो न्यूटन जी का इक्विवेलेंट अपोजिट गायरोस्कोपिक टॉर्क किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में। ठीक है राजी, आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि जो टॉर्क है ये भी मैं एरो से, एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, हम इस्तेमाल करें राइट हैंड स्क्रू रूल का। सपोज कीजिए रोटर है, रोटर, ठीक है, अगर आप इसके ऊपर एक क्लॉकवाइज टॉर्क लगाते हैं, क्लॉकवाइज टॉर्क कैसे लग रहा है? क्लॉकवाइज। ठीक है, टॉर्क कैसे लग रहा है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहे हो, तो मैं इसे एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल, तो इस तरह से घूमेंगे, इस तरह से। ठीक है, तो मेरा जो वेक्टर टॉर्क का वेक्टर है वो अंदर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, और अगर ये टॉर्क मैं लगा रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो फिंगर को कर्ल करके देखिए जो टॉर्क का वेक्टर है वो आगे की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं टॉर्क को भी वेक्टर की मदद से बड़ी आराम से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, तो हम बात चल रही थी इस एयरक्राफ्ट के बारे में कि मैंने एक्सेलरेशन पैदा किया इस तरफ, उसके लिए मुझे, मैंने टॉर्क अप्लाई किया इस तरफ, तो न्यूटन जी ने एक रिएक्टिव गायरोस्कोपिक टॉर्क अप्लाई किया इस तरफ। ठीक है राजे, इसका असर देखते हैं इस एयरक्राफ्ट पे क्या आ रहा है। राजे ये देख रहा आप, ये एरो नीचे की तरफ है। ठीक है, मतलब ये एरो, एरो जो है ये वाला जो रिएक्टिव वाला है वो नीचे की तरफ है, रिएक्टिव वाला। ठीक है, जरा इस एयरक्राफ्ट के ऊपर, इस एयरक्राफ्ट के ऊपर एक रिएक्टिव गायरोस्कोपिक टॉर्क लगा के देखिए, ये टॉर्क लग किस तरह से रहा है। एक बार आप थोड़ा सा इस तरह से इसके ऊपर लगा के देखिए कि लग किस तरह से रहा है। क्या, अगर आप ध्यान से गौर करें, अगर आप एयरक्राफ्ट के ऊपर, ये सपोज कीजिए एयरक्राफ्ट है, ये एयरक्राफ्ट, ठीक है, ये एयरक्राफ्ट है, और इसके ऊपर मैं एक, ये इस तरह से नीचे वेक्टर लग रहा है गायरोस्कोपिक टॉर्क। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर ये इस तरह से गायरोस्कोपिक टॉर्क लगाऊं मैं, तो देखिए क्या हो रहा है। इस, ये जो एयरक्राफ्ट का अगला हिस्सा है ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा, ठीक है, और इस एयरक्राफ्ट का जो पिछला हिस्सा है ये नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब देखिए हो क्या रहा है कि यहां पर जो प्लेन है हम उसे लेफ्ट मोड़ रहे हैं, हमने गायरोस्कोपिक टॉर्क लगाया उस तरफ, न्यूटन जी ने गायरोस्कोपिक टॉर्क लगाया नीचे की तरफ, तो जब राइट हैंड से मैं इस प्लेन के ऊपर गायरोस्कोपिक टॉर्क लगाता हूं इस तरह से नीचे की तरफ, तो जो इस एयरक्राफ्ट का अगले वाला हिस्सा है वो ऊपर उठ जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, ऊपर ऊपर उठ रहा है। ठीक है, और इस एयरक्राफ्ट का जो पिछले वाला हिस्सा है वो नीचे नीचे चला जाएगा। ठीक है रजे, ये मतलब ये कोई काल्पनिक सिचुएशन नहीं है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एयरक्राफ्ट्स का किसी युद्ध में पहली बार प्रयोग हुआ था। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम एयरक्राफ्ट का किसी वॉर में यूज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था, और उस टाइम पे यही वाले जहाज हुआ करते थे, उनके अंदर रोटरी इंजन हुआ करता था। तो आपको, मतलब आप अगर चेक करें थोड़े स्टैटिक्स वगैरह, तो आपको जान के बड़ी हैरानगी होगी कि जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुए थे उसमें से, मतलब दुश्मन की गोलियों का शिकार बहुत कम एयरक्राफ्ट हुए थे।
ज्यादातर एयरक्राफ्ट जो क्रैश हुए थे देवर बिकॉज ऑफ गायरोस्कोपिक इफेक्ट। ठीक है, जरा सोच के देखिए क्या होगा। आप एयरक्राफ्ट को उड़ा रहे हैं, ठीक है, और अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है अगर रोटर तो, और आपने लेफ्ट मोड़ लिया, ठीक है, तो आपका एयरक्राफ्ट जैसे कि मैंने अभी भी दिखाया, आपका एयरक्राफ्ट ऊपर उठ जाएगा और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। पर सोचिए उस पायलट के बारे में जिसको राइट मोड़ना था, तो उसने अपना एयरक्राफ्ट राइट मोड़ा, पहले उसका वेलोसिटी वेक्टर ऐसे था, बाद में उसका वेलोसिटी वेक्टर ऐसे हो गया। तो ऐसे वेलोसिटी वेक्टर करने के लिए एक्सेलरेशन उसने पैदा करी इस डायरेक्शन में, उसने गायरोस्कोपिक टॉर्क लगाया इस डायरेक्शन में, तो नेचर ने गायरोस्कोपिक टॉर्क लगाया इस डायरेक्शन में, और जो उसका प्लेन था उसके ऊपर जब ही गायरोस्कोपिक टॉर्क लगा तो उसका आगे वाला हिस्सा यानी नोज नीचे चली गई, ठीक है, और पीछे वाला हिस्सा ऊपर उठ गया। सो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड कि जब जहाज को हमने राइट मोड़ा उस पायलट ने, तो वो जहाज नीचे चला गया, क्रैश हो गया। ठीक है, तो इससे पहले कि वो कुछ कैलकुलेट कर सकता प्लेन क्रैश हो चुका था। ये तो ये एक रियल केसेस हैं, मतलब मेजॉरिटी प्लेन्स जो क्रैश हुए थे देवर ड्यू टू गायरोस्कोपिक अफेक्ट। ठीक है, तो अब आपको ये चीज सारी समझ आ गई होगी कि गायरोस्कोपिक अफेक्ट होता क्या है। ठीक है, गायरोस्कोपिक टॉर्क होता है आई ओमेगा ओमेगा बी, ठीक है, पर ये जो अफेक्ट है कि आप अगर आप किसी प्लेन को लेफ्ट मोड़ रहे हैं तो वो ऊपर जा रहा है और राइट मोड़ रहे तो वो नीचे जा रहा है। ठीक है, मतलब हर केस में नहीं होता है, यहां पर इस केस में ऐसा हो रहा है। दिस इज व्हाट इज नोन एज गायरोस्कोपिक अफेक्ट। ठीक है, और अभी इसके अंदर आगे बहुत कुछ है। अभी हमें पढ़ना है गायरोस्कोपिक अफेक्ट ऑन शिप, अभी हमें पढ़ना है गायरोस्कोपिक अफेक्ट, ये तो हमने सिर्फ एयरक्राफ्ट के ऊपर एक हल्का सा आइडिया लिया है, अभी शिप के ऊपर स्टडी करना है, अभी हमें बाइक के ऊपर स्टडी करना है, अभी हमें गायरोस्कोपिक अफेक्ट किसी कार के ऊपर स्टडी करना है। पर इन सारी चीजों को स्टडी करने के लिए आपको बेल आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें हम अगले सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल मैं अभी आपको क्या सिखाता हूं, मैं आपको सिखाता हूं कि इस गायरोस्कोपिक इफेक्ट को एयरक्राफ्ट पे कैसे अप्लाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है, किसी प्रॉब्लम को लेते हैं हम, स्टडी करते हैं कि किसी एयरक्राफ्ट के ऊपर गायरोस्कोपिक इफेक्ट के को कैसे स्टडी किया जाता है, किस तरह से इसकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। तो राजी, अगर आपको ये लेक्चर अगर अच्छा लगा है, इंटरेस्टिंग लगा, अगर आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो कमेंट्स में जरूर मेंशन करना, आपके जो कमेंट्स हैं वो मेरे लिए एक मोटिवेटिंग फोर्स होते हैं, मतलब ये आपके कमेंट्स ही हैं जो मुझे एंकरेज करते हैं और ज़्यादा वीडियोस डालने के लिए। तो आपके हम आपकी मदद कर पाए नहीं, आप कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। और अगर आपको लगा कि यार वाकई में गायरोस्कोप एक बड़ी डिफिकल्ट चीज़ थी और आपको इस लेक्चर को देखने के बाद आपको पता चला कि गायरोस्कोप तो कुछ था ही नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टाइप के और भी बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हैं। जैसे कुछ मैं आपको देता हूँ, जैसे अगर आपको हीट ट्रांसफर के अंदर कन्वेक्शन जनरली स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है, कन्वेक्शन का मेरा 1 घंटे का लेक्चर है, 1 घंटे का एक वीडियो है, एक लेक्चर है, अगर आप उसे अटेंड कर ले तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपके कन्वेक्शन के सारे फंडे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का कोई भी कन्वेक्शन क्वेश्चन बड़े आराम से निकाल सकते हो। जनरली मैंने ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स फिक्स्ड बीम का चैप्टर ही छोड़ देते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में, ठीक है, तो फिक्स्ड बीम का मैंने एक अलग से एक लेक्चर बना रखा है, अगर आप उसे देख लें आपके फिक्स्ड बीम के सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। बच्चे इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर चुके हैं, थ्योरीज ऑफ फेलियर पता ही नहीं है क्या होती है, फॉर्मूले रट लिए, सब कुछ रट लिया, मतलब मैंने उसके ऊपर 2 लेक्चर्स बनाए, एक 8 मिनट का है जिसमें आपको बेसिक कंसेप्ट पता चल जाता है, एक 30 मिनट का है जिसको अटेंड करने के बाद आप थ्योरीज ऑफ फेलियर के बादशाह बन जाओगे। और जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है मर्चेंट सर्कल के अंदर, तो मर्चेंट सर्कल के फॉर्मूले बच्चों को याद नहीं होते, तो मैंने उसके लिए एक लेक्चर बनाया है, मेरी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, आप कहीं पे भी देख सकते हो। अगर आपने ये मर्चेंट सर्कल का वो लेक्चर अटेंड कर लिया, वो एक्चुअली मेरा सबसे पहला वीडियो था यूट्यूब पे, अगर आप उसे एक बार अटेंड कर लें आपको फॉर्मूले मैं गारंटी देता हूँ आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको जब भी फॉर्मूला चाहिए होगा विद इन फ्यू सेकेंड्स आप उस फॉर्मूले को ऑन द स्पॉट वहीं की वहीं डिराइव कर सकते हो या लिख सकते हो। ठीक है, तो और भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो हमने पहले बनाए और आगे भी मैं बनाऊंगा। जैसे भी मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है
गो नो गो गेजेस का एक टॉपिक है लिमिट फिट और टॉलरेंस के अंदर। अब मेरी कोशिश रहेगी जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं अगला लेक्चर उसके ऊपर बनाऊंगा। और अगर आपकी भी अपनी कोई रिक्वायरमेंट हो, कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको नहीं समझ आ रहा, आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम लगेगा मैं आपके उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम एक न्यूमेरिकल करके देख रहे हैं। ये बुक है थ्योरी ऑफ मशीन्स बाय एसएस रतन एंड इट इज अ वेरी गुड बुक ऑन थ्योरी ऑफ मशीन्स। मैं इसी बुक को रेफर करता हूँ जनरली। तो इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि इसके अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है एयरक्राफ्ट का। इसमें दे रखा है कि एक एयरक्राफ्ट है जो 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा है, ठीक है। तो स्पीड हमें दे रखी है 240 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये लेफ्ट मोड़ रहा है, वही वाला केस जो भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। ये लेफ्ट टर्न ले रहा है, ठीक है। और इसने क्वार्टर सर्कल कंप्लीट किया है 60 मीटर रेडियस का, ठीक है। तो क्वार्टर क्वार्टर सर्कल इसने कंप्लीट किया है 60 मीटर रेडियस का, ठीक है। और हमें इसमें दे रखे कि मास, रोटरी इंजन और प्रोपेलर सारा कुछ मिला के जो रोटेटिंग मासेस हैं, तो मास वो दिए गए हैं 450 kg। और हमें बताया गया है कि रेडियस ऑफ गायरेशन के इसकी वैल्यू है 320 mm, ठीक है। इंजन की स्पीड हमें दी गई है n, ये हमें दिया गया है 2000 rpm, ठीक है। तो ये चीजें हमें दी गई है और डायरेक्शन दी गई है व्हेन इट इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन व्यूड फ्रॉम रियर, ठीक है। जब हम पीछे से देख रहे हैं तो हमें नजर आ रहा है कि जो इंजन का रोटर है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि पहली बात तो गायरोस्कोपिक कपल या गायरोस्कोपिक टॉर्क कितना लग रहा होगा या कितना चाहिए होगा उस जहाज को मोड़ने के लिए, और दूसरा उसके ऊपर जो गायरोस्कोपिक इफेक्ट लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो ये चीजें हमें निकालनी है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। एक स्पेशल रीजन है कि मैं ये क्वेश्चन क्यों सॉल्व करा रहा हूँ, उसका एक खास रीजन है। सबसे पहले तो देखते हैं कि वेलोसिटी, वेलोसिटी हमें दी गई है 240 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, और हमें चाहिए होती है मीटर पर सेकेंड में। तो इसको मैं इक्वेट करता हूँ 240 किलोमीटर पर आवर, तो ये इन 2000 कर रहा हूँ तो ये मीटर्स में कन्वर्ट हो गया, पर आवर है डिवाइडेड बाय 3600 कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट इज 240 × 2000 डिवाइडेड बाय 3600, क्योंकि 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। दिस गिव्स मी 66.66, ठीक है, इट गिव्स मी 66.6666 meters per second, ठीक है। तो ये हमें ये निकल के आई है एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी, ठीक है। तो लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, क्वार्टर सर्कल, रेडियस है 60 meters, मास है 3450 kg, रेडियस ऑफ गायरेशन राजे मीटर में दिया हुआ है, और मतलब आपको हमेशा किसमें काम करना है, स्टैंडर्ड यूनिट्स में काम करना है। तो इसे हम कन्वर्ट करते हैं 0.32 meters में, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन को मैंने 0.32 meters इसमें कन्वर्ट कर लिया है। जो रोटेशन है ये मुझे आरपीएम में दी गई है और मुझे चाहिए ओमेगा, ठीक है। रोटर का आरपीएम दे रखा है, मुझे ओमेगा चाहिए। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2π n/60। आरपीएम को 60 से डिवाइड करोगे तो वो रोटेशन पर सेकंड में बदल जाएगा, उसे 2π में से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेडियंस रेडियंस पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया मेरा, और ये सॉल्व करके क्या आता है, इट इज 2 × π × आरपीएम दिए गए हैं 2000 डिवाइडेड बाय 60, सो इट गिव्स मी 209.4395, ठीक है। सो दिस इज माय ओमेगा 2π n/60, तो ये मेरा ओमेगा आ गया, ओमेगा, ठीक है। तो मुझे प्रॉब्लम के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चाहिए होगा रोटर का, तो आई आई होता है एम ओमेगा स्क्वायर, एम के स्क्वायर, सॉरी एम के स्क्वायर। तो मास हमें दिया गया है 450 kg, 450 मल्टीप्लाइड बाय 0.32 होल स्क्वायर, ठीक है। क्या 450 × 0.32 होल स्क्वायर, सो इट गिव्स मी 46.08 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया मेरा आई, ठीक है। तो मेरे पास आई आ गया, मेरे पास ओमेगा आ गया, मेरे पास एक चीज नहीं है और वो है ओमेगा पी, एक्स एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी
ऑफ प्रिसेशन। ठीक है, तो क्या चीज है राजे, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को चूज किया है आपको कराने के लिए। सपोज कीजिए हमारे पास एक एयरक्राफ्ट है, ठीक है, हमारे पास ये एयरक्राफ्ट है और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो एयरक्राफ्ट है ये इस तरह से लेफ्ट टर्न ले रहा है, लेफ्ट टर्न ले रहा है, ये एयरक्राफ्ट लेफ्ट टर्न ले रहा है, ठीक है, और ये टर्न का जो रेडियस है इट इज 60 मीटर्स, ये है 60 मीटर्स। ठीक है, ये जो एयरक्राफ्ट है एक लेफ्ट टर्न ले रहा है, मतलब ये इस तरह से यूं घूम के जाएगा इस पाथ पे, ठीक है, और रेडियस कितना है 60 मीटर्स। और इस एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी मैंने अभी भी निकाली है, इस एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी आ रही है मेरे पास, इट इज कमिंग आउट टू बी ओमेगा, ओमेगा इट इज कमिंग आउट टू बी 66.6666। ठीक है, तो ये इसकी वेलोसिटी वी हमने निकाली है, वेलोसिटी वी मीटर्स पर सेकंड में कितनी आ रही है 66.6666 मीटर्स पर सेकंड, 60 मीटर रेडियस है। अब राजे आपको ही मालूम है क्या कि वेलोसिटी है इसकी, रेडियस मालूम है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पी, ठीक है, ये एयरक्राफ्ट इस जेड एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ठीक है, तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा पी वो कितनी होगी, दैट विल बी वी बाय आर, वी बाय आर। ठीक है, तो ये कितना होगा, इट विल बी 66.66 डिवाइडेड बाय 60, सो इट गिव्स मी ये ओमेगा पी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, इट इज 66.6666 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 1.111111, 1.1111। ठीक है, तो ये आ रहा है मेरा ओमेगा पी। ठीक है, तो ये आ गया, तो बस अब हम गायरोस्कोपिक टॉर्क बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या वैल्यू आएगी टॉर्क, गायरोस्कोपिक टॉर्क टी की वैल्यू क्या आएगी, टी इज इक्वल टू आई ओमेगा ओमेगा पी। ठीक है, आई की वैल्यू हमने निकाली है 46.08 इंटू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू हमने निकाली है, ओमेगा इसकी वैल्यू निकाली 209.4395, और ओमेगा पी की वैल्यू आई है 1.1111। ठीक है, तो आइए निकाल के देखते हैं वैल्यूज क्या आ रही है, इट इज 46.08 मल्टीप्लाइड बाय 209.4395 मल्टीप्लाइड बाय 1.1111। ठीक है, सो इट गिव्स मी, मेरे पास वैल्यू क्या है, 10723.19 न्यूटन मीटर। ठीक है, सो दैट्स माय गायरोस्कोपिक टॉर्क। ठीक है, तो ये न्यूटन मीटर है, हम इसे लिख सकते हैं 10.723 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, सो दिस इज माय गायरोस्कोपिक टॉर्क। ठीक है, इस तरह से गायरोस्कोपिक टॉर्क निकाल गया। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए करवाया क्या, ताकि मैं आपको ये बात बता सकूं कि ये जो प्लेन जब इस तरह से घूम रहा है, ठीक है, उसका रेडियस दिया गया है, उसकी वेलोसिटी दी गई है, मैं ओमेगा भी बड़े आराम से निकाल सकता हूं। ठीक है, इससे से हम मतलब स्टूडेंट्स को जल्दी कन्वे कर देते हैं, पर सच्चाई ये कि क्या कि यहां पर ये मेरा वेलोसिटी वेक्टर है, तो यहां से जैसे फाइनली वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, तो ये वेलोसिटी वेक्टर इस तरह से घूम रहा है और फाइनल डायरेक्शन होगी ये, तो इसका ओमेगा पी कितना होगा, इट विल बी 1.1111। ठीक है, जो कि हमने ये निकाला है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, पर अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुए, अभी अभी हमें इसके अंदर गायरोस्कोपिक अफेक्ट निकालना है, गायरोस्कोपिक अफेक्ट कितना आएगा वो हमें ऑलरेडी मालूम है। क्वेश्चन में दिया गया है कि जब आप इसे पीछे से देख रहे हो, ठीक है, तो जो रोटर है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहां से मैं देख रहा हूं तो रोटर क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो मेरा वेलोसिटी वेक्टर आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो जब ये वेलोसिटी वेक्टर आगे की तरफ जाएगा, ठीक है, तो क्या चीज है कि अभी मेरा वेलोसिटी वेक्टर आगे की तरफ जा रहा है और मैं इसे लेफ्ट मोड़ रहा हूं, तो फाइन मेरा वेलोसिटी वेक्टर कुछ सेकंड्स के बाद इधर होगा। ठीक है, तो मेरी डायरेक्शन ऑफ चेंज, चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो चेंज या एंगुलर एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में, तो मैं जो गायरोस्कोपिक टॉर्क जो हम अप्लाई करेंगे वो होगा इस डायरेक्शन में, तो जो रिएक्टिव गायरोस्कोपिक टॉर्क होगा इक्वल एंड अपोजिट वो होगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस प्लेन के ऊपर इस डायरेक्शन में एक गायरोस्कोपिक टॉर्क अप्लाई करके देखते हैं, ये इस डायरेक्शन में गायरोस्कोपिक टॉर्क लगेगा, तो आप लगा के देखिए क्या होगा, ये आप इस प्लेन के ऊपर इस तरह से टॉर्क लगा रहे, तो ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, आगे से ये अगला हिस्सा वो ऊपर उठ रहा है, ठीक है,
और इसके इस डायरेक्शन में एरो है और पिछला हिस्सा क्या है इसका, नीचे जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब आप इस प्लेन को लेफ्ट मोड़ेंगे प्लेन ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अ गायरोस्कोपिक टॉर्क। अब आप अगली बार जब आपसे कोई पूछेगा कि गायरोस्कोपिक इफेक्ट क्या होता है, तो आई हैव फुल फेथ कि आप उसे आई ओमेगा ओमेगा पी नहीं बोलेंगे, आप उसे पूरा टॉपिक बड़े आराम से समझा सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी जो गायरोस्कोपिक इफेक्ट्स ऑन शिप और कार बाइक ये सारा कुछ हम जल्दी स्टडी करेंगे हमारे अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है। तब के लिए गुड बाय।